आई एवरी वन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ओल ऑफ यू ओ नवा प्लेटफॉर्म लेट्स ड्रीम टूगेदर देर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ओल ऑफ यू सोसाइटी सो ए ई एस की टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की वैकेंसी जो कि परमानेंट वैकेंसी हैं रिलीज हो चुकी है कल रात को ही नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज देर इज़ अ टू हंड्रेड फाइव वैकेंसीज एंड दे आर फर्दर डिडेड इन टू प्राइमरी लेवल ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड पी जे टी सो so, आप सबसे पहले फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो है ट्वेंटी थर्ड मे से और ट्वेल्थ ऑफ जून तक सो ट्वेंटी थर्ड मे को आप एस की साइट पे जाके अपना अप्लाई की लिंक पे क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ ये फॉर्म टोटली फ्री है फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर वुमेन कैंडिडेट कोई भी फीस नहीं है वुमेन कैंडिडेट की सो so, आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें जल्दी से जल्दी ये फॉर्म फिल कीजिए और इफ़ यू हैव मिस द लास्ट बॉट इन योर लाइफ दैन आपकी ये वाली बॉट आपका वेट कर रही है आपको जरूर आपके डेस्टिनेशन तक ये पहुँचाने वाली है सो डोंट मिस इट एट एनी कोस्ट सो फॉर्म फिलिंग डेट हम देख चुके हैं ट्वेंटी थर्ड मे टू ट्वेल्थ ऑफ जून उसके बाद हम देखते हैं कि uh, यहाँ पे कितने स्कूल्स होते हैं टोटल 15 सेंटर है ऑल ओवर इंडिया ये सेंटर की टीचिंग uh, वैकेंसी है जो कि सेंटर लेवल पे होती हैं और इनके अंडर 30 स्कूल्स आते हैं टोटल और आपको इन 15 सेंटर्स की फॉर्म uh, फिलिंग करते वक्त प्रेफरेंस भी डालनी पड़ेगी कि आप कौन सा स्कूल प्रेफर करते हैं फर्स्ट चॉइस पे सेकेंड चॉइस पे थर्ड चॉइस पे उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है uh, कि अपर एज लिमिट क्या है तो जो पी है उसकी है फोर्टी टी जी टी की है थर्टी फाइव एंड प्राइमरी टीचर की है थर्टी और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं अदर देन अनरिजर्व और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन है वुमेन्स कैंडिडेट्स के लिए मेरी टेन ईयर का एज रिलैक्सेशन है इसका मतलब क्या है अगर आप फोर्टी ईयर्स की हैं तो आप प्राइमरी का फॉर्म फिल कर सकती हैं और अगर आप फोर्टी फाइव की हैं तो आप टी जी टी का फिल कर सकती हैं और अगर आप फिफ्टी की हैं तो आप पी जी टी का भी फॉर्म फिल कर सकती हैं नेक्स्ट इज़ एग्ज़ाम प्रोसीजर क्या होगा सबसे पहले रिटर्न टेस्ट होगा उसके बाद स्किल टेस्ट होगा रिटर्न टेस्ट में यू आर ओ ई डब्ल्यू एस कैटेगरी के लिए मैंडेटरी है कि आप 60 परसेंट स्कोर कीजिए तभी आपको शॉर्ट लिस्टिंग आ, लिस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे एंड जो बाकी अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए 54 फोर परसेंट हैं टोटल जो क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम में वो हंड्रेड क्वेश्चन होंगे हंड्रेड एम और इनके हंड्रेड मार्क्स का ही ये पेपर होगा और टाइमिंग क्या मिलेगा आपको टाइम मिलेगा ढाई घंटे का और ढाई घंटे का टाइम मिलेगा और मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है हाँ जी आप गैस वर्क भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो उसके बाद इसका सिलेबस क्या है इसमें जनरल नॉलेज आएगी रीजनिंग आएगी न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी और टीचिंग मैथडोलॉजी आएगी और जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है वो आने वाला है और जो मेन प्राइमरी लेवल का है उसमें सब्जेक्ट कंसर्न में आपका क्या आएगा जो हायर सेकेंडरी के सब्जेक्ट्स हैं जो उनमें सिलेबस है एज़ पर सी तो वो आपका आने वाला है इसमें एज अ एम उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए पी के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए उस सब्जेक्ट में जिसमें आप फिल करना चाहते हैं और प्लस आपके 50 परसेंट मार्क्स होने चाहिए नेक्स्ट इज़ पी टी के लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं सेम बी में आपके 50% परसेंट और बी होनी हो चाहिए आपके पास और इसके साथ साथ आपका जो सी का पेपर टू है वो भी क्लियर होना चाहिए नेक्स्ट इज़ प्राइमरी टीचर प्राइमरी टीचर में जो डिप्लोमा करते हैं वो तो एलिजिबल हैं ही साथ में जिन्होंने बी एस कर रखी है वो भी एलिजिबल हैं सिर्फ मैंडेटरी ये है आफ्टर योर ज्वाइनिंग आपको एक सिक्स मंथ का कोर्स करना पड़ेगा सो दिस इज़ ऑल अबाउट ए ई ई एस वैकेंसी टोटल टू हंड्रेड फाइव वैकेंसीज हैं सो so, फिल करना मत भूलिए जल्दी से जल्दी ट्वेंटी थर्ड मे को ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है तो जाइए साइट पे और जल्दी से इनको फिल कर देना किसी का वेट मत करना और आ, ये बहुत ही ज़्यादा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वैकेंसी को ना देखते हुए ये देखें कि हाँ आपको सिर्फ़ एक वैकेंसी चाहिए और मैं इस एग्ज़ाम में अपियर होने वाला हूँ टेक इट एज़ योर लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी और अपना हंड्रेड परसेंट दे दीजिए Thank you and have a good day. Don't, like to, uh, don't forget to like my video and share among your friends. Where there is a will, there is a way. So go for it.